दे रखा है जो एफ है और वो आर टू से आर पर डिफाइन है और आपसे फंक्शन की कंटिन्यूटी और इसके पार्सल डेरिवेटिव पूछे हैं कि जीरो जीरो पर वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो सबसे पहले मैं पार्सल डेरिवेटिव एट जीरो जीरो फाइंड आउट कर लेता हूं तो मैं उसको लिख सकता हूं एफ एक्स एट जीरो और इसको मैं इवेल्यूएट कर सकता हूं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एच क्योंकि हमारा जो फंक्शन है उसका स्ट्रक्चर है एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स रीज टू पावर फोर प्लस वाई स्क्वेयर और ये तब है जब हमारा एक्स वाई जीरो जीरो नहीं है यहाँ पर एच आपका जीरो को टेंस कर रहा है एग्जैक्टली exactly जीरो नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एफ जीरो 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 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच और इसकी जगह क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो आपका फंक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा जीरो माइनस जीरो अपॉन एच फाइनली आपका जीरो आ गया ऐसे ही मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट वाई निकाल सकता हूँ एट जीरो जीरो और इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट के माइनस एफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय के और इसकी जो वैल्यू है जीरो माइनस जीरो अपॉन के और के टेंस टू जीरो मतलब फाइनली आपको जीरो मिल जाएगा यानी कि बहुत पार्सल डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट करते हैं अब मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले मैं लिमिट निकाल लेता हूं लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू तो जीरो जीरो और हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स टू तो पावर फोर प्लस वाई स्क्वेयर तो मैं चूज कर लेता हूं अलोंग पाथ इक्वल्स टू एम एक्स स्क्र यहाँ पर स्क्वेयर इसलिए लिया ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाए एक्स और हमारा जो फंक्शन है वो किसी एक सिंगल वेरिएबल में या इन टर्म्स ऑफ एम मिल जाए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट क्योंकि एक्स और वाई ये हो गया है एक्स टेंडिंग टू जीरो और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्र इन टू एम एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट टू दावर फोर प्लस एम स्क्वेयर एक्स की पावर फोर और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मैंने कॉमन लिया वन प्लस एम स्क्वेयर एक्स की पावर फोर से ये कैंसिल आउट हो गया है यानी कि एम जो है वो फ्री फ्रॉम एक्स है तो यानी कि एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये लिमिट डिफरेंट होगी यानी कि लिमिट एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है यानी कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है जीरो जीरो पर लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव उसके दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं जीरो पर ऑप्शन बी ट्रू होगा